Chew. अस्सलाम वालेकुम एवर्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। ये है मेरा फ्राइडे वाले दिन का व्लॉग। और फ्राइडे को जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा आज क्यों ना बच्चों को ज़रा पार्क लेके जाऊँ और धूप में बिठाऊँ, धूप वूप सिखाऊँ, क्योंकि छत में धूप में बच्चों को लेके नहीं बैठती, नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जगह तंग है। यहाँ पर तो लोगों के दिलों में दूसरों को जगह देने के लिए जगह नहीं है और हम कह रहे हैं कि छत पे जगह तंग है। वैसे क्या जुमले बोल रही हूँ ना, जिनको बोल रही हूँ शायद उनको समझ आ जाए, बाकियों के सर से गुजर जाएगी। तो ना अब ये सारी टॉपिक्स आज डिस्कस बिल्कुल भी नहीं होंगे, आज सिर्फ ये वाले मज़े के टॉपिक्स डिस्कस होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी जो है डेली रूटीन जो आजकल मेरी चल रही है। आजकल मैं जो हूँ कुछ डाइट वाइट कर रही हूँ और सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि देखते हैं कितने दिन तुम्हारी ये डाइट चलती है। तो जनाब आजकल नाश्ते में मैं खा रही हूँ ब्राउन ब्रेड या फिर बॉयल एग्स, और बदल बदल के करती रहती हूँ। चाय जो है विदाउट शुगर पी रही हूँ, जो कि बिल्कुल जहर की तरह मुझे अपने हलक से उतारनी पड़ती है। और ये मैं सारा दिखा रही थी अपना टिया टमा, जो कि सर्दियों में हर घर की एक जीनत बने हुआ होता है। सारे कंबल वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं और सारी सर्दियों में ये बिखेरा जो है बहुत मुश्किल होता है इसको संभालना। हेलो करें सबको, अस्सलाम वालेकुम करें। कल किसकी बर्थडे थी जनाब? आपकी थी। सब लोग आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। थैंक यू, बोलें थैंक यू, जल्दी से बोलें थैंक यू, से थैंक यू। सब थैंक यू ऐसे बोलते हैं, ऐसे थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू। वो देखें, इस घर के पीछे हमारा घर है, वो ऊपर तक जा रहा है। पेड़ देखें, दरख्त देखें। धूप कितनी तेज हो रही है, ऐसा बैठी हुई है, ऐसा कोई जोरा देखो जरा, कितना प्यारा लग रहा है। ये जो ट्री देखें, धूप अच्छी है ना, अभी हम रोज इस वक्त आ जाएंगे। ठीक है सैनब, ओके। रंग तो नहीं करेंगी आप? करेंगी। तो जनाब नाश्ता मुझसे बिल्कुल भी हैवी नहीं किया जाता, लेकिन उसके बाद फिर दोपहर को जाके 2:30-3 बजे के करीब जो है जाहिर सी बात है फिर भूख लगती है। तो भूख क्या फिर इंतज़ाम मैं ये करती हूँ कि मैं अपने लिए कोई ना कोई सैलड बनाती हूँ और ढेर सारी बाउल भर के मैं सैलड बनाती हूँ। आज जो है मैंने ये वाइट चने जो हैं वो बॉयल किए थे, सेब, अमरूद और ऑरेंज जो भी फल दस्तियाब थे घर में इस वक्त, उनकी एक चाट सी मैंने बना ली थी। बीच में नमक और काली मिर्च डाल के एक चाट सी मैंने बना ली थी और इतना बड़ा ये बाउल था कि इसको खा के बाकी रात तक फिर मुझे भूख नहीं लगी थी। यहाँ पर मेरी गुड़िया जो है पार्क में खेल खेल के थक चुकी थी, तो मैं उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल रही थी ताकि फिर मैं भी आराम से बैठ के अपनी ये चाट फिनिश कर सकूँ। और अगर नेक्स्ट टाइम मैंने बनाई ये चाट तो ज़रूर इसमें फिर मैं बॉयल एग भी शामिल मैं करूँगी, और बॉयल एग भी हों तो ये और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं चाट अपनी खा रही थी और साथ ही साथ डिनर का टाइम आ गया था। डिनर में मैंने जो है फ़िश फ्राई की थी, और आप लोग सोच रहे होंगे डाइटिंग कर रही है और इतनी ऑयल वाली फ़िश खा रही है। तो जनाब ये थी बच्चों की फ़िश और ये थी मेरी फ़िश। मैंने अपने लिए बिल्कुल शेडो फ्राई से भी कम ऑयल में ये फ़िश अपनी फ्राई की थी और बग़ैर रोटी के। रोटी मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई। और साथ ही साथ उसके बाद फिर रात को सोने से पहले मैं पीती हूँ कावा। कावे में मैं दालचीनी, लौंग और ये मेरी ग्रीन टी है, ये मैं यूज़ करती हूँ, साथ में हनी डालती हूँ। और कावा लेकर अभी मैं सुकून से बैठ गई थी ताकि बस अब मैं इसके बाद सोऊंगी, लेकिन नहीं जनाब, हम औरतों के नसीब में आराम कहाँ है। सोते सोते भी आयजा को याद आ गया कि मामा कल है वीकेंड, मेरे बालों में तेल लगाएं। तो बस सोने से पहले जल्दी जल्दी बस फिर उसके बालों में लगाया तेल। तो जनाब ये था आज का मेरा व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा और मिलती हूँ फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।